राधे राधे दोस्तों सभी को श्रीस कॉर्नर में स्वागत है चलिए फिर से कहानी लेकर आए हैं आज हम फिर से एक और स्टोरी सुनेंगे आप सुनकर अपने बच्चों को भी सुना सकते या खुद भी सुन सकते हैं तो चलिए बहुत साल पहले की बात है गरीबी से तंग आकर एक गांव से एक ब्राह्मण गांव छोड़कर दूसरे गांव के लिए चल पड़ा रास्ते में बहुत बड़ा घना जंगल था वहां उसने देखा कि एक ऊँटनी प्रसव पीड़ा से तड़प रही है ऊँटनी ने जब बच्चा दिया तो वह ऊँट के बच्चे और ऊँटनी को लेकर अपने घर वापस आ गया वहाँ घर के बाहर ऊँटनी को बांधा और ऊँटनी को खिलाने के लिए अच्छे अच्छे हरी हरी पत्ते लाने वो जंगल चला गया ऊंटनी ने हरी हरी कोमल पत्ते खाई बहुत दिन इसी तरह हरे हरे पत्ते खाकर ऊंटनी स्वस्थ और पुष्ट हो गई ऊंट की बच्चा ऊंटनी का बच्चा भी बढ़कर जवान हो गया ब्राह्मण ने उसके गले में एक गंडा बांध दिया जिससे वो ऊंटनी कहीं पर भी जाए तो उसको मिल जाए दूर से ही उसकी आवाज सुनकर ब्राह्मण उसे घर लिवा सकते ऊँटनी के दूध से ब्राह्मण के बाल बच्चे भी पलते थे और ऊँट वही भार बिठोने के भी काम आने लगा मतलब ऐसा भी उसको ऊँट से फायदे मिल गए उस ऊँट उन्ट ऊँटनी से ही उसका व्यापार चलता था यह देख उसने एक धनिक से कुछ रुपया उधार लिया और गुर्जर देश में जाकर वहाँ से एक और ऊँटनी ले आया यानी दूसरे देश में जाकर वहाँ से भी एक और ऊँटनी ख़रीद लिया कुछ दिनों में उसके पास अनेक ऊँट उन्ट ऊँटनियाँ हो गई उनके लिए रखवाला भी रख लिया ब्राह्मण का व्यापार चमक उठा घर में दूध की नदियाँ बहने लगी शेष सब तो ठीक था किंतु जिस ऊंट के गले में घंडा बांधा था वह बहुत गर्वित हो गया था वह अपने को दूसरों से विशेष समझता था सब ऊंट वन में पत्ते खाने को जाते तो वह सबको छोड़कर अकेला ही जंगल में घूमा करता था वह खुद को विशेष समझता था उसके घंटी की आवाज़ से शेर को भी यह पता चलता था कि ऊंड किधर है सबने उसे मना किया वह गले से घंटा उतार दे नहीं तो मुसीबत में पड़ जाएगा लेकिन वह अपने को बहुत बड़ा मानता था और वो बाक़ी किसी का भी बात नहीं सुनता था नहीं मानता था एक दिन जब सब ऊँट वन में पत्ते खाकर तालाब से पानी पीने के बाद गांव की ओर वापस आ रहे थे तब वह सबको छोड़कर जंगल की सैर करने अकेले चल दिया सभी ने मना किया अकेले मत जाओ गले में घंटा है कोई भी जानवर देख लेगा तुम्हें खा जाएगा लेकिन वो ऊँट बिल्कुल नहीं सुना सो बोले कि नहीं मेरा मालिक मुझे लेने जरूर आएगा मुझे कुछ नहीं होगा घमंडी बन गए थे वो वो सबका बात नहीं सुनकर सबका ठुकरा कर क्या कर दिया जंगल की ओर चले गए पत्ते खाने के लिए भी नहीं ऐसे घूमने के लिए शेर ने भी घंटे की आवाज़ सुन लिया और सुनकर शेर ने उसका पीछा किया फिर क्या हुआ सबको पता हुईंगे? और जब वह पास आया तो उस पर झपट कर उसे मार दिया तो ऐसा हो गया वो ऊँट का अंत तो चलिए इसके ग, इस कहानी में हमें क्या मॉरल यानी क्या वैल्यू एडवाइस क्या है इसमें छिपा है वो बता देती हूँ जो भी कोई हमको टोकता है जो भी बात बोलता है मना करता है दोस्तों एक बार ध्यान से सोचना कि उसके बाद में सही में कुछ तो छिपा है क्या कि सही बोल रहे कि गलत ऐसे जाने में मुझे ऐसा होने का चांसेस है कि नहीं ऐसे सोच समझ कर ही आगे बढ़ना किसी को बात भी हमको छोटा नहीं समझना या ठुकराना भी नहीं सभी बात को सुनो ध्यान से सुनो उसमें कुछ सही या गलत है करके सोचो फिर आगे बढ़ो तो कोई भी विपत्तियाँ नहीं आएंगे अपने लाइफ में तो चलिए सुनते हैं अगले वीडियो पर आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होते हैं अगले वीडियो पर मिलेंगे तब तक के लिए सभी को राधे राधे